ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता, तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इन्हें किसी भी पल होश आ सकता है शहंशाह। मुझे नहीं लगता हसन की लाश को फिर से दिखाना जोधा बेगम के लिए ठीक होगा। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है जोधा बेगम सदमे में आ जाएं। के लिए हिम्मत किसकी हुई हमारे बच्चे को इतने सफेद कपड़े में लपेटने की? हसन, माँ आ गई है। चंचा, हम आपको समझा रहे हैं, कई बार हकीमत से गलती हो जाती है, उनसे भूल हुई है। बच्चों की नब्स नहीं महसूस होती है कई बार। ये बिल्कुल ठीक है, इसे कुछ नहीं हुआ। अभी अभी देखना, अभी हमारी आवाज सुनेगा ना, जाग जाएगा, सो रहा है बस। हसन, हमारा बच्चा कुछ नहीं हुआ है इसे। देखिए देखिए देखिए, मरियो देखिए, मरियो देखिए, संभाल के। हाँ, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप अपने बच्चे को सफेद कपड़े में कैसे लपेट सकते हैं? हसन, हमारा बच्चा, शंशा एक बार हमारे बच्चे को देखने दीजिए ना, एक बार गोद में लेना है उसे। हसन, माँ है ना, बच्चा बेगम। हकीकत को मान लीजिए, हमारा बच्चा, हमारा बच्चा। अल्लाह को प्यारा हो गया। अपने बच्चे के लिए ऐसा कैसे बोल सकते हो? कुछ नहीं हुआ है हमारे हसन को, कुछ नहीं हुआ है, समझ रहे हैं आप? हमारा बच्चा। शहंशाह, आप तो शहंशाह है ना, आप तो जो चाहे कर सकते हैं ना, फिर हमारा बच्चा हमें लौटा दीजिए। आपने हमसे कहा था ना,
कि हम आपसे जो मांगेंगे ना आप हमें देंगे, है ना? हम और कुछ नहीं मांगेंगे, जीवन में कुछ नहीं मांगेंगे, बस एक बार हमारा बच्चा लौटा दीजिए ना, हमारा नन्हा बच्चा, हमें चाहिए हमारा बच्चा, हमारा हुसैन, हमें चाहिए शहंशाह, हमारा बच्चा हमें चाहिए, हमारा हसन हमें लौटा दीजिए शहंशाह, हमारा हसन हमें लौटा दीजिए, हमारा हसन हमें लौटा दीजिए ना। ये एक बुरा सपना है ना, एक बार कह दीजिए कि हम सो रहे हैं, हमें जगा दीजिए। सब कुछ झूठ है, सब कुछ स्वप्न है, सब कुछ बुरा स्वप्न है, हम शाम में जगा दीजिए। हमारा बच्चा, हमारा कलेजा। क्या बात है, आते वक्त तो चेहरे पर मुर्दानगी थी और अंदर आते ही मुस्कुराहट खिल गई। क्योंकि हमारा आधा काम हो चुका है। सब कुछ बताओ मुझे। जोधा का बच्चा हसन इस दुनिया से जा चुका है। या खुदा, ये तो कमाल की खुशखबरी है। आराम से। खैर, हमारा आधा काम तो हो गया। आधा कब होगा? वो हम जल्द निपटा लेंगे। मारना तो हसन को मुश्किल था, हुसैन की तो हम दाई माँ हैं, जब चाहेंगे उसे उसके भाई के पास भेज देंगे। हमने अपने अब्बा हुजूर की एक आंख का बदला ले लिया है, अब दूसरा जाएगा तो हमारे अब्बा हुजूर की दूसरी आंख का बदला भी पूरा होगा। कितने सपने संजोए थे जब ये पालना मंगवाया था। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ये इस भांति खाली हो जाएगा। जानते हैं, जब भी हम हसन को इस पालने में झुलाते थे तो ऐसा लगता था जैसे हमारे बाल गोपाल को झुला रहे हैं। अब तो कोई बाल गोपाल ही नहीं रहा। आपको स्मरण है, हमने जब ये पालना मंगवाया था लानत आती है मैं खुद पर, खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हम हिंदुस्तान के शहंशाह हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम अपने बच्चे तक को नहीं बचा पाए। कभी जानकर कोई पाप नहीं किया, सबकी भलाई के विषय में सोचा तो ये फल मिला, ये जो रहेगा। आपकी यकीन हमारी जिंदगी की बुनियाद है, हमने कमजोर मत होने दीजिए। ये बस एक बुरा वक्त है, एक
एक काली अंधेरी रात, बिना रात के बाद एक सुबह होती है, तो ये वक्त भी गुजर ही जाएगा जो था बेगम, जैसा हमारा हसन गुजर गया। ये कोई एक पल नहीं है जो गुजर जाएगा, नहीं नहीं, ये अंत है, अंत हमारे ख्वाबों का, हमारे सपनों का, हमारे ख्वाहिशों का, हमारे मातृत्व का। नहीं 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 जोधा बेग, क्या कर रहे हो? हमारे पालने को कहीं मत ले जाओ, रुको। इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है जोधा बेगम। शहंशाह हमारे हसन की स्मृति छुपी है, उसमें पाल ला लो, पाल ला लेकर आओ। हमारा हसन है, हमारे हसन की स्मृति है, शहंशाह पाल ला, हमारे पास रहने दो। आपके साथ रहेगा आपको तकलीफ देता रहेगा, हम आपको तकलीफ नहीं दे सकते हैं जोधा बेगम, माफ कर दीजिए, इसीलिए हमने उसे यहाँ से दूर कर दिया है, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। जोधा बेगम अब सो जाइए, आपको थोड़ा सुकून मिलेगा। सोना चाहते हैं हम, सदा के लिए चिर निद्रा में सोना चाहते हैं हम। इन लफ्जों का इस्तेमाल भी कैसे किया आपने, हसन हमारे भी बच्चे थे लेकिन हम बीचे रहे ना आपके लिए, फिर वादा किया था आपने हमसे कि आप कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? संतान का दुख बहुत बड़ा होता है, हर वचन से बड़ा। काश ईश्वर ने हमें अपने पास बुला लिया होता हसन के स्थान पर, काश महामंगा का श्राप हमें लगा होता। फिर हमने कभी सोचा है कि आपके बगैर हमारा क्या होगा? जब आप ही नहीं रहेंगे तो फिर हम जीकर क्या करेंगे? कह दीजिएगा हमने कान्हा से, जब वो आपको लेने आए तो हमें भी अपने साथ ले जाएं, क्योंकि आपके बगैर हमें मर जाएंगे जोधा बेगम, बगैर जी नहीं सकते, और आइंदा आप ऐसी बात मत करिएगा। जलाल वक्त हो गया है, जोधा बेगम हम अभी आते हैं, आप सो जाइए, आप आराम करिए। कहाँ जा रहे हैं आप शंशा? अम्मी जान, हमारे बच्चे हसन के अंतिम संस्कार के लिए आप शंशा को ले जा रहे हैं ना? हमें भी ले चलिए शहंशाह। नहीं बेटा, तुम वहां नहीं जा सकती,
ईश्वर के लिए हमें ले चलिए ना शहंशाह, अंतिम बार अपने बच्चे को गले लगाना चाहते हैं, बस और कुछ है। जोधा बेगम, हम दोनों का मजहब आपको वहां मौजूद रहने की इजाजत नहीं देता है। परंतु माँ की ममता तो अनुमति देती है ना। आप शहंशाह हैं, आपका कोई विरोध नहीं करेगा, बस अंतिम बार उसे गले लगाना चाहते हैं, उसे विदा देना चाहते हैं, एक बार हमें जाने दीजिए। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं जोधा बेगम, आप ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? आप नहीं जा सकती हैं वहाँ जोधा बेगम, आप नहीं जा सकती हैं वहाँ। हमारे नहीं जोधा बेगम, आपसे वो बर्दाश्त नहीं होगा जोधा बेगम। अम्मी जान, इनका ख्याल रखें, आप हम भी आते हैं, हम भी आते हैं। शहंशाह हमें बस नहीं जोधा, नहीं नहीं, हमें जाने एक बार जाने दीजिए, हमारे बच्चे हसन को एक बार गले लगाना है हमें उसको। खुदा के लिए जोधा, अपनी और जलाल की मुश्किलें मत बढ़ाओ, खुदा के लिए मेरे बच्चे। अम्मी जान, बस हमारे बच्चे को एक बार गले लगाना है, एक बार उसे देखना है, एक बार उसे सर को सहलाना है, एक बार उसे थप्पी देना है, हमें जाने दीजिए अंतिम बार। कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा बच्चा उसे बहुत गुटे तो नहीं होगी, उसे ना कुड़िया में बहुत पसंद है, अरे पानी पी लो, एक घूंट पी लो बेटा, तुम्हारे लिए जरूरी है। नहीं अम्मी जान, जब ने पिया है उसके अपनी को जल्द ही बुझा पाएगा। हमारा बच्चा, तुम्हारे सामने दीपक जलाते रहे और तुमने हमारा आज चिट्ठिया क्यों क्यों कादा
ऐसे ईश्वर के सामने कभी दीपक नहीं जलाई गया। तुमने हमारे जीवन को अंधकार से भर दिया है, तुमने हमारे जीवन का उजाला छीन लिया है। आज के बाद हम तुम्हें कभी नहीं पूछेंगे काना। समझे तुम?